देखिए माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, गंगा जली लेके केदारनाथ तक जाएंगे। जिस तरीके से धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, आपने देखा अभी एक वो नाम की पट्टी लगाने की बात आई थी, उसी तरीके से केदारनाथ भगवान के मंदिर में सोने की चोरी भी उस सरकार के टाइम में जो सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगती है, और जांच की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। अब तो खुद शंकराचार्य जी ने भी कहते हैं उसकी जाँच के लिए तैयार नहीं है। मास्टर प्लान के नाम पर केदारनाथ बद्रीनाथ में जो कुछ हो रहा है वो लूट का नग्न नाच है। हमारे स्थानीय लोगों के अधिकार समाप्त करके, उनकी परंपराओं को समाप्त करके आप क्या कुछ करना चाहते हैं, कुछ समझ में किसी के समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने आज हरिद्वार में हर की पौड़ी से केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा पद यात्रा की शुरुआत की है, जो कि गढ़वाल के अलग अलग भागों से होते हुए केदारनाथ में समाप्त होगी। अब कांग्रेस की इस पद यात्रा के पीछे के मुद्दे क्या कुछ हैं और यात्रा के दौरान क्या कुछ होगा, इस सब पर बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। कांग्रेस ने आज हरिद्वार में हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड में मां गंगा की पूजा अर्चना करने के साथ ही केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा पद यात्रा की शुरुआत की। हरिद्वार से शुरू हुई ये पद यात्रा गढ़वाल के अलग अलग भागों से होते हुए केदारनाथ में समाप्त होगी। इस दौरान जगह जगह पर जनसभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि केदारनाथ सतयुग में सनातनी परंपरा की पहचान है और सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग भी है, और इसका व्यवसायीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केदारनाथ के नाम पर धाम बनाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी और कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही करण महरा ने यह भी कहा कि जिस तरीके से धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, और आपने अभी देखा कि नाम की पट्टी लगाने की बात भी कांवड़ रूट पर सामने आई थी, उसी तरीके से केदारनाथ भगवान के मंदिर में सोने की चोरी हुई है और उसे सरकार के टाइम में जो सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगती है, और जांच की मांग जब लगातार विपक्ष कर रहा है, शंकराचार्य जी कर रहे हैं, तो उसकी जांच नहीं करवाई जा रही है। शुरू करिए आपने यहाँ से, क्या है इसके पीछे मकसद? देखिए माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, गंगा जली लेके केदारनाथ तक जाएंगे। जिस तरीके से धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, आपने देखा अभी एक वो नाम की पट्टी लगाने की बात आई थी, उसी तरीके से केदारनाथ भगवान के मंदिर में सोने की चोरी भी उस सरकार के टाइम में जो सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगती है, और जांच की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। अब तो खुद शंकराचार्य जी ने भी कहते हैं उसकी जाँच के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से आप और हम सब जानते हैं कि भगवान के दरबार में राजा और रंग बराबर होते हैं, और केदारनाथ धाम के जो गर्भगृह उसके नियम नरेंद्र मोदी जी ने तोड़े, 5 कैमरे अंदर ले जाके BKTC के अध्यक्ष की हिम्मत नहीं हुई कि वो नोटिस दे सके, 1 रुपए का अर्थदंड लगा सके, लेकिन शंकराचार्य जी के लिए बोलने में उन्होंने 1 घंटे का भी समय नहीं छोड़ा। एकदम से आज वो कहते हैं कि सोना था ही नहीं, तो हम पूछते हैं कि 18-19 घोड़ों में जो सोना गया, क्या वो केवल 23 किलो था? और जो भी चढ़ावा चढ़ता है उसकी जिम्मेदारी BKTC की है कि वो कितना है, क्या है, उसका रखरखाव करें, रजिस्टर्ड मेंटेन करें। और जब अखबारों में, न्यूज़ में आ रहा था 18-19 घोड़ों में सोना गया है, तो उन्होंने उसका खंडन क्यों नहीं किया? जब उन्होंने ये सरकार से मांग की कि 11 सुरक्षाकर्मी पर्याप्त नहीं है, इतना सोना और संपत्ति है, इसको बढ़ाया जाए, वो उन्होंने पत्र क्यों लिखा? तो ये एक हक है उत्तराखंड और देश की जनता को, सनातन मानने वालों को, कि केदारनाथ बाबा के यहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है जनता के द्वारा, कितना है, कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना चढ़ावा है, और इसको सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? उसके अलावा कृष्णा माई की गुफा मेरा एजेंडा है। कृष्णा माई ने वर्षों तक बड़े भाई वहाँ तपस्या की, और सारा बच्चा बूढ़ा जो वहाँ जाता है उनको पता है कृष्णा माई की गुफा है। नरेंद्र मोदी जी एक दिन आते हैं, 24 घंटे वहाँ ध्यान या जो भी करते हैं, वो नाम चेंज होता है, मतलब 16-17 साल की तपस्या एक दिन में धुल गई और कृष्णा माई की गुफा का नाम हो गया नरेंद्र मोदी। यहाँ भी नहीं रुके, उस गुफा को देखने का टिकट लगा दिया। वही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि केदारनाथ की जिस तरह से उपेक्षा हुई है, उसके विकास के विस्तार से उपेक्षा हुई, और वहां की रीति परंपराओं की जिस तरह से उसको समाप्त किया गया है, उसके खिलाफ हमारी ये पदयात्रा है। मास्टर प्लान के नाम पर केदारनाथ बद्रीनाथ में जो कुछ हो रहा है वो लूट का नग्न नाच है। हमारे स्थानीय लोगों के अधिकार समाप्त करके, उनकी परंपराओं को समाप्त करके आप क्या कुछ करना चाहते हैं, कुछ समझ में किसी के समझ में नहीं आ रहा है। पूरा बद्रीनाथ खुद डाला है। कांग्रेस को पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए अपने इतने मामले। किस बात का? इस बात का, क्योंकि ये पश्चाताप तो भाजपा को करना चाहिए। ये उनसे गलती, उन्होंने एक बड़ा भारी पाप कर दिया था, दूसरा धाम बनाने का वो
खुद को शंकराचार्य बन बैठे थे, उसके लिए भाजपा ने माफ़ी कहाँ से मांगी? माफ़ी तो नहीं मांगी। क्या मांगते हैं जो दूसरा केदारनाथ धाम बनाने की तैयारी थी उनके ट्रस्ट के लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? भाजपा की ये सुनियोजित नीति थी, जिस तरीके से उन्होंने शंकराचार्य के पद का अवमूल्यन करने की कोशिश की है, उसी तरीके का अवमूल्यन वो जो है इन धामों का भी कर रहे थे। सिस्टमेटिक एक कोशिश थी जो है, वो तो सारा उत्तराखंड जागृत हो गया, उसके खिलाफ आवाज़ उठ गई, तो इन्होंने केवल इरादा टाला है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी ने बाबा केदारनाथ धाम के अस्तित्व पर प्रहार किया है, खिलवाड़ किया है, और कांग्रेस और सनातन धर्मी इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही बर्दाश्त करेंगे। और इसी को लेकर आज कांग्रेस ने हर की पौड़ी पवित्र धरती से हरिद्वार से इस यात्रा का शुभारंभ किया है। केदारनाथ धाम में यात्रा समाप्त होगी, हम पद यात्रा करेंगे और पूरे प्रदेश के जनमानस को संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में क्या फर्क है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा सरकार ने जो धर्म की बात करती है, जो सहिष्णुता की बात करती है और धर्म जाति की राजनीति करती है, उन्होंने निश्चित रूप से अपराध किया है। और बाबा केदारनाथ धाम के अस्तित्व पर प्रहार किया है, खिलवाड़ किया है, और कांग्रेस और सनातन धर्मी इसको कभी स्वीकार भी नहीं करेंगे न बर्दाश्त करेंगे। तो आज से कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो चुकी है और इस दौरान जगह जगह पर जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा और केदारनाथ धाम में ये यात्रा समाप्त होगी। और इस पदयात्रा में कांग्रेस केदारनाथ मंदिर में सोने की चोरी और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक मंदिर बनाने और इसके व्यवसायीकरण जैसे मुद्दे उठाएंगे। तो ये थी हमारे सहयोगी हरिद्वार से मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक और जाते जाते आज का विचार। तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है।